हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक हैं और आप बाकायदगी से अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस का जो आगाज़ हो चुका है इनको अटेंड कर रहे हैं। और आपको बताता चलूं कि आपने को जो लेक्चर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग या वायरिंग का है या दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, आपने क्या करना है कि आपने तमाम वो जो असाइनमेंट जो लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं उनकी असाइनमेंट आपने जो मुकर्रर टाइम आपको बताया गया है कि 8 बजे से 10 बजे रात को आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो ग्रुप में जो है सेंड करना है, और जो बच्चे नहीं सेंड कर रहे उनकी उस डेट की जो है वो एब्सेंट लग रही है, वो प्रेजेंट अकाउंट नहीं हो रहे। तो इस चीज़ को आप मेक श्योर करें कि आप अपनी जो प्रेजेंट है इसको आप यकीनी बनाएं, अपनी असाइनमेंट जो है जो लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं आप इनको बाकायदगी से सुने, और जो भी आपके आंसर या आपके क्वेश्चन हैं उनको उनके आपको जो आंसर मिलेंगे, और इसी तरह आप अपनी जो ड्राइंग की शीट्स हैं वो तमाम जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। मैंने पिछले दिनों चेक की हैं आपके ड्राइंग की शीट्स और मैंने देखा है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। जिस तरह से आपको कहा बताया जाता है कि आप अपनी ड्राइंग को नीट एंड क्लीन बनाएं, आप उस तरह से इसको जो है प्रिपेयर नहीं कर रहे, और क्या करते हैं कि बाद तो लाइंस आप बहुत उनमें गायब छोड़ देते हैं, उनमें ज़्यादा इजाफा हो जाता है, मेजरमेंट्स उनकी ठीक नहीं है, और कुछ तो स्टूडेंट्स एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनकी ड्राइंग जो है बहुत अच्छी है, जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ वाकई इसने ड्राइंग की है। उसके अलावा जितने भी आप ड्राइंग बना रहे हैं आप जो मेजर जो SOPs हैं या इसकी बताए जाते हैं आपको जो मेजरमेंट्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे, जिसका दिल जिधर कर रहा है वो ऐसे लाइन से वो लगा रहा है। तो चलें, आप उम्मीद है कि आप नेक्स्ट जो है आपको जो ड्राइंग दी जाएगी आप उसको बेहतर और अच्छे तौर से बनाएंगे, ताकि आपके जो ड्राइंग की खूबसूरती है जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी से अच्छी हो सके। आज हमारी शीट नंबर 5 है। पहले हमने जो शीट्स हैं वो 4 तैयार कर ली हैं, और आज की हमारी जो शीट है वो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस। उसी तरह आपने ब्लॉक डायग्राम बनानी है, टाइटल ब्लॉक आपने बनाने हैं, और उनमें आपने क्या करना है, अपनी जो आपको असाइनमेंट दी जा रही है आपने क्या करना है उसके ऊपर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस लगानी है। और आज ये जो हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस लगाएंगे इनके दरमियान का जो फासला है, दरमियानी फासला जो है वो आपने 5 मिलीमीटर जो है वो रखना है। 5 मिलीमीटर आप फासला रखेंगे और इस तरह आपने अपनी लाइंस जो हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकली उनको कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आप ये लाइन जो है वो अच्छी से अच्छी बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, और इस चीज़ को आप ख्याल रखें कि अगर आप इस जो इसको इजी लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस उस तरह से नहीं होगी। और जितनी आप शीट्स तैयार कर रहे हैं आपकी ये शीट्स जो हैं ये अपनी फाइल में इनको लगाएं और इनके नंबर आपको मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो आते हैं आज की हमारी जो ड्राइंग है, आपने क्या करना है, जैसे हमारा पीरियड है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का 8131, तो आपने क्या करना है आज की ड्राइंग में आपने ड्रा हॉरिजेंटल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। आपने देख सकते हैं आपके सामने जो है शीट नुमा एक ड्राइंग बनाई गई है, उसके ऊपर आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है वो लाइंस लगाना है, और आपने इनके दरमियान का जो फासला है ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि 5 मिलीमीटर, यानी कि इस लाइन का और इस लाइन का आपस का जो दरमियानी फासला है वो आपने 5 मिलीमीटर रखना है, कम या ज़्यादा ना हो। प्रैक्टिस करें, अच्छी से अच्छी इसको ड्रा करें ताकि ये खूबसूरत हो, और यही आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं इन्हीं शीटों की बिना पर आपके जो नंबर्स हैं वो अकाउंट होंगे, आपको मिलेंगे। उसके बाद आपने जो वर्टिकल लाइंस लगानी है उनके दरमियानी फासला भी जो है, जैसे वर्टिकल का है 5 मिलीमीटर, उसी तरह आपने जो हॉरिजेंटल लाइंस लगाना है उनके दरमियानी फासला जो है वो भी 5 मिलीमीटर होना चाहिए। बिल्कुल वैसे इसी तरह आपने टाइटल ब्लॉक जो है अपनी शीट को प्रिपेयर करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ऑलरेडी आपने पहले 4 जो शीट्स मुकम्मल कर ली हैं, शीट नंबर इसको आपने देना है 5, या जितनी भी आपकी शीट नंबर है आप उसको नंबर देकर उसमें आपने टाइटल लिखना है, रोल नंबर, चेक्ड बाय, ड्रॉन बाय, और डेट, और अपने इंस्टीट्यूट का नेम आपने लिखकर आगे जो है इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट का नेम जो है क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, तो ये आपने इसके ऊपर मेंशन करना है, नोट करना है, बताना है, और इस तरह से आपकी जो शीट है वो कंप्लीट होगी। उसी सूरत में जब आप इसको, जैसे कि मैं फिर रिपीट करने लगा हूँ कि आपने इसका जो डिस्टेंस है हमने राइट से लेफ्ट
5 मिलीमीटर, फिर नीचे से ऊपर 5 मिलीमीटर, और इसी तरह यहाँ से जो है ये आपने 10 मिलीमीटर का मेजरमेंट्स जो है वो लेनी है 10 मिलीमीटर की। तो इस तरह जो हमने जो लाइंस ड्रा करनी है उनके दरमियान का जो फासला है वो हमारे पास है यहाँ पे 5 मिलीमीटर, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनका भी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 5 मिलीमीटर। तो आई होप के आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और आपने करना क्या है कि आपने इस जो डायग्राम है इसको अच्छी तरह से बनाना है। अगर आपका इसमें कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई है। आप सबका लेक्चर अटेंड करने का आप सबका बहुत शुक्रिया, और अपनी असाइनमेंट जो है वो कम्प्लीट करें। शुक्रिया।